नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्राफिकल टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सा मूवी पोस्टर क्रिएट करके दिखाने वाला हूं, जो कि दिखने में बहुत ही कूल दिखेगा। और आपके फोटो को बैकग्राउंड के साथ कैसे मैच करना है ये सीखने मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करके क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट को सेलेक्ट करके A4 साइज और यहां पर CMYK के कलर मोड सेलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। यहां पर डबल क्लिक करके आपको इस लेयर को अनलॉक करके लेना है। इसके बाद आपको आपके मॉडल का फोटो यहां पर ओपन करना है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूँ और फुल स्क्रीन करता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ से हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हमें पिक सेलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है और इमेज को सेलेक्शन देना है। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करना स्टार्ट किया है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन किया है। आप पेन टूल से अच्छे से सिलेक्शन दे सकते हैं। आपको धीरे धीरे सिलेक्शन देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सिलेक्शन दे रहे होते हैं तो आपको एकदम धीरे से और प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन देना है। आप जब क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन दे रहे होते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमें जिस पार्ट पर सिलेक्शन नहीं चाहिए वहां पर भी ये सेलेक्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड पर अल्टर बटन प्रेस करना है और जिस पार्ट पर हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए वहां पर क्लिक करना है। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये पार्ट बाहर आया था, तो मैं इसको अल्टर प्रेस करके क्लिक किया तो ये सिलेक्शन आपका सही हो गया है। यहाँ पर भी मैं अल्टर प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन ठीक हो गया है। पूरा सिलेक्शन होने के बाद आपको मास्क बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। मैं नीचे से बैकग्राउंड लेयर को ऊपर लेके आता हूँ और मूव टूल सेलेक्ट करके इस फोटो को हमारे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ड्रैग करता हूँ। इसको मैं फुल स्क्रीन करके लेता हूँ। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके आप इस फोटो को स्केल कर सकते हैं। इस फोटो को स्केल करके आपके हिसाब से साइज करनी है और फोटो को यहाँ पर प्लेस करना है। इसकी मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। इसके बाद हमें बैकग्राउंड की इमेज यहाँ पर प्लेस करनी है और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा साइज इंक्रीज करके यहाँ पर आपको ठीक से एडजस्ट करना है।
ये ठीक लग रहा है। उसके बाद मास्क बटन पर क्लिक करके ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर लेना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और इसकी साइज इंक्रीज करके यहाँ पर आपको पेंट करना है। यहाँ पर हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से हमें जो मॉडल का बेस है वो मिल गया है। आपको धीरे धीरे ब्रश की साइज एडजस्ट करके यहाँ पर पेंट करना है। इसके बाद हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक इमेज प्लेस करने वाले हैं, तो हमें इस इमेज पर क्लिक करके प्लेस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आपको आपके हिसाब से इस इमेज को स्केल करना है और अच्छे तरीके से इसको अरेंज करना है। यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमने जो मॉडल के लेयर पर मास्क क्रिएट किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रश सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर पेंट करना है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। आपको ठीक से यहाँ पर धीरे धीरे पेंट करना है और उस लेयर को नीचे वाले लेयर में मर्ज कर देना है। इसके बाद आपको कलर करेक्शन करना है, तो आपको एडजस्टमेंट पैनल में जाकर चैनल मिक्सर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। आपको मेरी वैल्यूज कॉपी नहीं करनी है, आपको आपके फोटो के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपको सेलेक्टिव कलर में जाके एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यूट्रल सेलेक्ट करना है और आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट्स करनी है। अभी ये काफी अच्छा दिख रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पैनल में जाकर कलर बैलेंस एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही आपको बैकग्राउंड लेयर के ऊपर भी एडजस्टमेंट्स करनी है, तो हम एडजस्टमेंट पैनल में जाकर पहले चैनल मिक्सर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। कलर करेक्शन करते वक्त आपको बैकग्राउंड और मॉडल के कलर्स मैच करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर मुझे ये बहुत ही कूल लग रहा है। इसके बाद हम सेलेक्टिव कलर्स में जाकर यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करके न्यूट्रल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारा स्काई की इमेज है और जो बैकग्राउंड है नीचे वाला, वो एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। इसको थोड़ा डार्क ही रहने देता हूँ। इसके बाद हम कलर बैलेंस एडजस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस हम मॉडल के लेयर के ऊपर करने वाले हैं। एडजस्टमेंट पैनल में जाकर हम चैनल मिक्सर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फोटो को मैं थोड़ा सा जूम करके लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट यहाँ पर आपको बैकग्राउंड और मॉडल के फोटो को मैच करने की कोशिश करनी है। आपको एडजस्टमेंट करते वक्त मेरी वैल्यूज कॉपी नहीं करनी है, आपको आपके मॉडल के फोटो के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद आपको सेलेक्टिव कलर्स में जाके यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट करना है और न्यूट्रल सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट करनी है। ये अभी काफी अच्छा इफेक्ट हमारे सामने दिख रहा है। इसके बाद आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है और इस पर एडजस्टमेंट करनी है।
उसके बाद आपको कलर बैलेंस पर क्लिक करके कलर बैलेंस एडजस्ट करना है। आप किसी भी लेयर पर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तब आपको एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करना नहीं भूलना। उसके बाद आपको मॉडल के लेयर पर क्लिक करना है और शिफ्ट दबाकर इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इनको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके इनका ग्रुप करना है और उसको नाम देना है मॉडल। ठीक वैसे ही आपको नीचे वाले लेयर्स को सेलेक्ट करके इनका ग्रुप बनाना है और उसको नाम देना है बैकग्राउंड। इसके बाद मैं मून की इमेज इस लेयर के ऊपर प्लेस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से प्लेस बटन पर क्लिक करूँगा और इस इमेज को यहाँ पर प्लेस करूँगा और इसको स्केल करके मैं इसकी साइज कम कर रहा हूँ और इसे अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ। उनको ठीक से अरेंज करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको रखना है स्क्रीन। यहां पर क्लिक करके मैं यहां से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके ले रहा हूं। के बाद आपको इस लेयर के ऊपर न्यू लेयर लेना है और यहाँ पर हमें वाइट कलर सेलेक्ट करना है और ब्रश टूल लेके यहाँ पर आपको इसकी ओपेसिटी फुल रखनी है और ब्रश की साइज आपको इंक्रीज करनी है और यहाँ पर क्लिक करना है। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके आप इसको स्केल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ही अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको अरेंज करता हूँ और इसको अरेंज करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर। यहाँ पर उनके इमेज का कुछ पार्ट दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें मास्क बटन पर क्लिक करना है और ब्रश को सेलेक्ट करके ब्लैक कलर रखना है और सिंपली यहाँ पर हमें पेंट करना है। इसकी ओपेसिटी के बाद आपको मॉडल के लेयर को सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लेना है। यहाँ पर आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है और ब्रश की साइज इंक्रीज करके सिंपली यहाँ पर पेंट करना है। लाइट मॉडल के राइट साइड से आ रही है तो यहाँ पर आपको जो ये जैकेट है डार्क दिखेगा। हम लोग पेंट करके लेंगे।
धीरे धीरे आपको यहाँ पर पेंट करना है। पेंट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना है। आप देख सकते हैं अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट रखना है और इसकी ओपेसिटी आपको एडजस्ट करनी है। अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आपको इस पर पेंट करना है। आपने यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट रखा है वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ओपन करना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फाइल में जाकर मैं टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर मूव टूल को सेलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है और हमारे न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको लेकर आना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट को अच्छे से अरेंज करके लेना है। इसके बाद आपको ये नीचे वाला ड्रैग करके उस फोटो के ऊपर लेके जाना है। आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। मैं दोबारा से ये टेक्स्ट यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा इस टेक्स्ट को ड्रैग करके हमारे फोटो के ऊपर लेके आता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका कलर चेंज करके वाइट कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपके टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। अब इसको आपको ठीक से अरेंज करना है। तो ये काफी अच्छा इफेक्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।
साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।